बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यही तो जिंदगी की याद है लाइया। पता नहीं करी बात प्रबंधक तो चाहता ही है सर बिठवा चाहे बात पता नहीं क्या होगी कि नहीं। आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ सुबह आ जाओ समझे आ जाओ Ah!
संपूर्ण फल प्राप्ति काम रहे हैं यथोत्साह यथा काले द्रव्य गृणाम दातुम ब्राह्मणानाम यथा गोत्र ब्राह्मणानाम द्रव्य गृणाम दातुम अहम सृजे छोड़ दे ब्राह्मणानाम अहम भोजयिष्ये भोजनाते दक्षिणाम अपि च दास्ये कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको चालू करवाइए सुनाओ तुम्हारे सिवा है ही कौन हमारा जब कोई तुम्हें
खड़े होकर गुरुदेव भगवान का पाठ करेंगे, तालियों की सेवा करेंगे। स्वागत है गुरुदेव, thank you.
तभी मानते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। तो शब्द तो दिखता है लेकिन सारे काम शब्दों से होते हैं। ये जंतर मंतर जब बाबा जी को दे देते हैं तो दिमाग को शांति मिल जाती है, हाँ कुछ है इसमें। लेकिन तुलसी बाबा ने बीरा लिखा, बीरा क्या नासय रोग हरय सब बीरा, सारे रोगों को नष्ट करके इतनी सरल दवाई कोई पीता इसलिए नहीं पीता कि बिना फीस की दवाई है। अभी डॉक्टर साहब को दे दो फीस 1500, तो वही डॉक्टर साहब परहेज बताएंगे जो आप जानते हैं। चीनी वाली चाय में पीने सुखी रहना है तो अपने रसोई से सफेद पदार्थों को निकाल कर दो, निकाल कर रंगीन दुनिया में आ जाए। ये चीनी जितने तापमान में पकती है उतने तेजी से ब्लड में शुगर फैलाती है। इसलिए चाय, जिसको चीनी की चाय पीनी हो वो चाय पकाने के बाद चीनी डालिए और तुरंत छान लो, हल्का मीठा है। चीनी अगर उसमें पक गई, आंच पे पक गया तो वो शुगर बर्धक हो जाता है। जिसके पास गुड़ शक्कर उपलब्ध न हो चीनी को डालिए खोलते हुए चाय में, जब उतारना और चीनी गलने न पाओगे इतने में छान कभी शुगर नहीं होगा। चावल खाइए, डॉक्टर साहब कहते हैं भात मत खाओ, चावल मत खाओ, उसका नाम भात है, भात। और लोग चावल का परहेज कराते हैं, जो पक जाए वो तो भात बन जाता है। तो भात अगर कोई चावल मांगे उसको चावल ले जाके दे दो, वो तो पकने के बाद उसमें परिवर्तन हुआ तो भात आ। और कुकर में जो हम लोग खाते हैं ना बना के, कुकर कुकर में पकता नहीं है जी, उसमें फट जाता है। इससे प्रेशर चलता है, जिसको जितने तापमान पर पकना चाहिए ये किसके कारण हो रहा है, हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, धैर्य हम खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। बच्चा गर्भ में आ गया और हम लोग मैंने 3 महीना बिता नहीं कि अल्ट्रासाउंड से उसके स्वरूप को देखना शुरू कर दिए। और मनुष्य जितना ही परमात्मा की व्यवस्था को अपने ऊपर लेता जा रहा है उतना ही वो परेशान होता जा रहा है, परेशान। आप सोचो इन्हीं पशुओं को हम पालते हैं, इन्हीं पशुओं को कितने आवारा ये कुत्ते घूम रहे हैं, इनको आप भी डंडे मारते हो, सब डंडे मारते हैं, लेकिन जिस कुत्ते के गले पर पट्टा पड़ा है पट्टा मारना, जैसे राम जी ने सुग्रीव को किसका फूल के माला का पट्टा दिया था पहचान के लिए, खाली पट्टा पड़ा होगा, आप नहीं जानते किसका कुत्ता है, लेकिन उस पट्टे के रहने से आपको भय होगा कि इसके पीछे इसका मालिक है, मालिक है। अपनी डोर जो परमात्मा को पकड़ा देता है और उसका पट्टा जिसके गले में पड़ जाता है उसकी सुरक्षा वो पट्टा कर देती है। तो जो जिनको हम पालते हैं उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर की आवश्यकता होती है। पर ये जंगली पशु कितने ऐसे घूम रहे हैं जो बच्चा भी पैदा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लड़ झड़ रहे हैं, स्वस्थ हैं। हमसे आपसे जाते हैं जिन पौधों को हम लोग लगाते हैं उनको उनकी सिंचाई करते हैं, जिन पौधों को लगाते हैं उनकी सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद भी उसको सूख जाने का भय रहता है। क्या जो पौधा हम लगाते हैं सिंचाई करने के बाद भी उसको सूख जाने का भय रहता है, सड़ जाने का भय रहता है, दीमक लग जाने का भय रहता है। पर ये जो पेड़ पौधे जिनको हमने लगाया नहीं उनको खाद पानी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। ये 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं इन सारे 84 लाख योनि में एक ही जीव मंत्र कमाता है,
मनुष्य। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार सेट करके छोड़ दो भैया, थोड़ी आवाज दे दोगे तो कृपा हो जाएगी। और हरिओम। तो ये 84 लाख योनि के योनि में मात्र एक मनुष्य कमाता है, मात्र एक मनुष्य। अब आप बताइए कि 83,99,999 प्राणी को भोजन कौन देता है? कौन बताते हम लोग इतना कमा रहे हैं, बीवी बच्चे बाल बच्चे बहन भाई सब के सब कमा रहे हैं, फिर भी नहीं अट रहा है कर्ज की बोझ को दबे दबे। लेकिन इन 84,999,999 प्राणियों को भोजन कौन दे रहा है? सोचा कभी किसके बल पे जीते हैं? ये जो अगर आप परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाए, परसों की घटना आप देख लो, इसी पंडाल में कोई नहीं था, 10 मिनट की बारिश में 10 मिनट के बरसात में पंडाल जैसी है। कल आप लोग उसी आस्था को लेकर के बैठे थे, आधा घंटा बरसात थे मुसला था, और बरसात नहीं विभीषिका था, उत्पात था, कुछ हुआ क्या? ये परमात्मा का भरोसा, उसी भरोसे के साथ हमको आपको जीना है। ये सब जो कुकर में भात फट जाता है चावल, वही शुगर का कारण बनता है। आप भगोने में चावल पका करके खाओ, माड़ निकाल दो, माड़ जो उसमें माड़ होता है, जैसे दूध में दूध से दही बनती है, दही से घी बनता है, मट्ठा घी, लेकिन सब का काम अलग अलग है। जो काम दूध का है, दूध में आप पूरी नहीं तल सकते, लेकिन उसी से निकले हुए घी में आप पूरी तल सकते हो, तल सकते हैं। दूध में डालने से दूध फटता नहीं, पर दूध में कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो दूध को फाड़ पड़ता है, फाड़ पड़ता है। ऐसे ही ये दूध की तरह हमारा परिवार संसार है, इसमें कपट रूपी खटाई जब पड़ जाती है तो परिवार बिखर जाता है, किसकी तरह दही की तरह छिटक जाता है। मन में खटाई आ जाती है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को चाहना पसंद नहीं करते, ये सब हमारे आपके मन की भ्रांतियां हैं। इसलिए चावल का माड़ निकाल करके खूब भात खाओ, कभी शुगर नहीं होगी, कभी नहीं। और ये जो साधारण नमक है ना, 2 रुपए किलो का नमक खा करके हमारे बाप दादा चले गए, जिनका गया करने हम भूल जा रहे हैं, ये 20 रुपए 22 रुपए 25 रुपए केजी का नमक कहते हैं आयोडीन है, केमिकल युक्त आयोडीन के नाम से बेच रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से हम लोग जहर खा रहे हैं, बड़े धड़ल्ले करना नहीं चाहते, और न करने का ही फायदा ये बिजनेसमैन उठाते हैं, हमारे आपके अकर्मण्यता का फायदा उठाते हैं। आप अपने रसोई से इस आयोडीन नमक और माड़ वाला चावल कुकर का, ये सब सफेद पदार्थ चीनी, ये सब निकाल पाते जीवन सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। और कौन सा सफेद पदार्थ लाना है अपने जीवन में? सेंधा नमक का प्रयोग करिए, सेंधा नमक का
वह बीपी नहीं बढ़ाता। हर चीज में दाल सब्जी हर जगह से नमक का प्रयोग करें, ना आपका पेट बढ़ेगा न बीपी बढ़ेगा। इसलिए तमाम ऐसे पहले हम लोग जब खान पान सुधारेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हरिओम।
पहली बार कब? कहा जब बाल सफेद होने लगे तो समझ जाना बच्चों की पहली हड्डी बज गई। अब तो नारायण के शरण में चले जा जीव, लेकिन जीव नहीं मानता, वो पालिश लगा करके बालों को काला कर लेता है। भजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, पालिश लगा लगा करके काला करता रहूंगा पर भजन नहीं करूंगा। फिर दूसरी घंटी बजाती है, आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। मनुष्य कहता है आप क्या मेरे पास आएगी क्या, मोटा मोटा चश्मा लगवा लूंगा और भजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये प्राकृतिक है। और फिर शरीर टेढ़ी मेढ़ी कर देता है, कमर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, उसमें बैठने में दिक्कत होती है। फिर भी मनुष्य कहता है ना हमारे साढ़ू भाई डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, प्लास्टर प्लास्टर लगा कर। लेकिन ये यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ के बाहर वालों की बात हो रही। यहाँ वाले कितने लोगों की कमर ठीक किए होंगे, पर मनुष्य नहीं मानता, भजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर दांत झड़ जाते हैं, दांत, और जब दांत झड़ जाते हैं चौथी घंटी बजी, दांत झड़ गया तो फिर दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या सुंदर दांत बनवा करके सजा करके मुंह में डाल कर अवगय करो। फिर पांचवी बार घंटी नहीं बजता, बजती पांचवी बार घंटा बज जाता है, घंटा। और जब घंटा बज जाता है तब वो समझने का मौका नहीं देता, नहीं देता। कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, कल पर जो टाल देता है वो उससे बड़ा पागल कौन होगा, कौन होगा? सबसे अच्छा वाला पागल बनना है, सबसे अच्छा वाला। और नारायण के शरण में चले जाओ, नहीं तो एक दिन यही होगा, एक एक ईंट जोड़ करके हमने मकान बनाया और मेरे ही मकान में रह करके मेरे बेबी बच्चे, मेरे बच्चे, बहू, नाती, पोता, ये सब क्या कहेंगे? कहेंगे कि बुढ़वा खांस रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो बनाया तो इतना बड़ा महल और जब हाथ पैर शिथिल हो गया, नहीं चलने लायक हो गया, तो जहां पर गाय भैंस पानी जाती थी मड़ई में, वहीं पर बस्ता खटिया लगा दिया। यहाँ रहोगे ना बरामदों में डिस्टर्ब होकर हो गए, तुम वही भूसौले में रहने लायक हो, यही होगा। अगर नारायण के शरण में चले जाओगे तो नारायण आपके बच्चे को अपना कृपा पात्र बनाकर आपकी सेवा में लगा देगा, तकलीफ नहीं। लेकिन किसी माया में अगर हम लगे रहे, किसी लूटपाट पर किसी तरह महल बना दिया, खड़ा कर दिया, और मनुष्य जब ये बनाता है इष्ट मित्र आते हैं तो उनका हाथ पकड़ करके नीचे से ऊपर तक दिखाता है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये रूम है, कितने दिन सोता है, कितने ले नहीं जाएगा मनुष्य, वहां जाएगा क्या? ये जो अपने नाम गोत्र से आपने संकल्प करके भागवत जी को सुना, भगवान का पूजन किया, इसको आपका बेटा भाई पटवा नहीं सकता, नहीं पटवा सकता, तब कहीं नहीं, नहीं तो आज नहीं तो कल सरकार अपने आप वसीयत कर देगी, नाम कट जाएगा, अगले पीढ़ी का नाम चलेगा उस संपत्ति पर। तो उसके कमाना ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ नारायण रूपी संपत्ति को कमा ले अपनी सम्मति के साथ। अभिशक्ति की बात कर रहा था कि वो सफेदी, किचन वाली सफेदी निकाल करके कौन सी सफेदी लाना है जीवन में? सत्यव्रतम, सत्यव्रतम, त्रिसत्यम, त्रिसत्यम, सत्य बोली, सत्य देखी और सत्य कही। मन सेकम, बचत सेकम, कर्म सेकम, महात्मा, महात्मा। वेद कहते हैं
ये भागवत जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष देवता कौन है पहचान लो, कौन है मातृदेव भव। अपने भारतवर्ष में पहले माँ मातृदेव भव, माँ साक्षात देवता है जिसने तुमको जन्म दिया, तुम जानने लायक हो इस संसार को। पितृदेव भव, पिता साक्षात देवता है, चलता फिरता देवता है, पहचान लो। फिर क्या कहा, आचार्य देव भव, गुरुदेव भव, जिन्होंने थर्ड आई दिया तीसरी आंख, भगवान कौन है, भक्त कौन है, उसकी पहचान कराने वाला। फिर चौथे देवता अतिथि देव भव, इन चार देवताओं की कृपा, इन चार देवताओं का आशीर्वाद जो मनुष्य प्राप्त कर ले अपने जीवन में, पांचवा ये मंदिर वाला देवता आपके पास चल करके आएगा। मांग लो क्या चाहिए, मांग लो क्या चाहिए। इन चार देवताओं का पूजन बराबर अर्चन को वंदन, और देवता बनने का स्वरूप क्या है, ये मूर्ति की पूजा हम इसलिए करते हैं कि चुप रहे। ये देवता लोग बोल करके अपने देवत्व को खत्म कर देते हैं, देवत्व को। मूर्ति चुप है इसलिए पूजा होती है, अगर बोलना शुरू कर देना एक लोटा जल चढ़ाना बंद कर दे पक्षपाती हो जाएगा ना। कुछ मत, अगर जीवन का सुख लेना है अपने जिंदगी में तो आंख में पट्टी और कान में रुई डाल करके जीना सीख लो। ना हम कुछ देख रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं, जो कर रहा हूं वो देख रहा हूं, जो कर रहा हूं वो देख रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो सुन रहा हूं। अपनी आवाज सुने और अपनी करनी देखें, कहीं कुछ नहीं है संसार में, सब माया है। भगवान शिव ने कह दिया, और नारायण ने भी यही बात कही है रुक्मिणी से, भगवान शिव ने कह दिया, उमा कहो निज अनुभव अपना, उमा कहो निज अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। मात्र एक सत्य है वो सतहरि भजन है, भगवान की कथा सुनना, उनका भजन करना और अपने कर्म में लगे रही, कर्म को नहीं रोकते। सतहरि भजन जगत सब सपना, ये सारा जो संसार दिखाई दे रहा है ये स्वप्न है, स्वप्न। इससे मोहित मत होना, आसक्त मत होना, इनका उपभोग करते हुए मनुष्य अपने मंजिल तक तभी पहुंचेगा जब एक गाड़ी को छोड़ेगा। यहाँ से अगर आपको कहीं दूर जाना है, दिल्ली मुंबई जाना है, तो आपको कई गाड़ियां बदलना पड़ेगा, और उसी गाड़ी से मोह हो जाए, बहुत सुंदर लगते हैं गाड़ी है, इसी में चलेंगे तो आप प्रत्येक स्टेशन से घर, घर से स्टेशन, इतने दायरे रास्ते रहेंगे। ममता ममता पान सकते, फिर वो लक्ष्य जो मनुष्य का है ऊपर जाने का, मोक्ष पाने का, वो लक्ष्य से भटक जाता है, क्योंकि गाड़ी से मोहित हो गया, वो गाड़ी पहली गाड़ी छोड़ नहीं पा रहा और दूसरी गाड़ी पकड़ नहीं पा रहा, इसलिए लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा। ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई दुर्वैभव का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है तन्हाई का, लेकिन सबसे अच्छा वह पागल है जो पागल हो रघुराई का, सबसे अच्छा वह पागल है। तो हम लोग देख लें, हम लोग सबसे अच्छे वाले पागल हैं, कम से कम इस खराब मौसम में हम लोग भगवान का भजन करने बैठे हैं, कथा सुनने बैठे हैं, और कथा बड़ी जो मन की व्यथा को मिटा दे। इसलिए ये जो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, वैचारिक मतभेद, ये वैचारिक मतभेद चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, वैचारिक मतभेद से ही विचार बिगड़ते हैं, और जब विचार बिगड़ते हैं तो संस्कार बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है। इसलिए दोनों का विचार एक होना चाहिए, दोनों का विचार। बाबा ने कहा कि जानते हो, ध्यान देना, सास ससुर गुरु सेवा करी ही, ये किसने सिखाया, किसने,
किसकी बाणी है? सीता जी को सिखा रहे जानकी की माता जी सिखाए, कथा सुनती है लेकिन जब अत्री मुनि की पत्नी जत्या नाम है उन्होंने भी नारी धर्म दिया था, पति अनुसुईय नारी धर्म सिखाया था। यद्यपि तुम सब जानती हो इसे, लेकिन ये मैं कथा संसार के हित के लिए कह रहा हूँ, संसार के हित के लिए सब जानते हैं। सास ससुर को सेवा करेंगे, सास ससुर और गुरु की सेवा, ये सेवा योग्य है, सेवा योग्य। पर पति सेवा के लिए नहीं, जो पति है वही पत्नी है, जो पत्नी है वही पति है। और दूसरा भाव क्या दिया है कि विवाह करने के बाद पति सास ससुर के पास अपने घर के घर पे पत्नी को छोड़ करके 2-3 साल विदेश जाके कमाता है, न तो उसको पति का प्रेम मिला न सास ससुर का प्रेम मिला, नहीं मिला। उसकी स्थिति क्या हो गई, विक्षिप्त अवस्था हो गई पत्नी की, न इधर के रही न उधर के, प्रेम प्रेममय वातावरण। काम करने के लिए तो हम नौकर भी रख सकते हैं, नौकर देखना थोड़ी थोड़ी कभी कहां से आती है कि अगर पति बाहर में है और वो बहू जो रोज काम कर रही है, समय से चाय नाश्ता भोजन सब कुछ दे रही है, एक दिन उसको बुखार आ रहा है और वो बोल नहीं पा रहे हैं संकोच के मारे, और मान लो एक दिन लेट से उठी 2 घंटे अथवा चाय लेकर के गई सो गई, सिर का पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो भाषा क्या निकलती है सासू मैया की? बेटे का फोन आया, माँ नाश्ता मिला कि नहीं, तो सासू मैया क्या करती है? अरे महारानी काम फसार के सो रही है ना, महारानी जब उठेगी तब ना नाश्ता मिलेगा, अरे कुछ तो तकलीफ समझो उसकी, कुछ तो महारानी नौकरानी बन के नहीं आई, नौकरानी किसी की पत्नी बन के आई। और सीता जी ने यही उदाहरण दिया, ये मत समझना कि महाराज जी बहुओं को भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं भड़का नहीं, सीता जी ने यही उदाहरण दिया समाज को। क्या उदाहरण दिया कि इस जगत में सीता जी के ससुराल में न धन की कमी थी, दशरथ धन देख धनद ल जाए, वो भी